नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, सलाम, कैसे हो? आई होप कि सारे के सारे मजे होंगे एंड खुश होंगे। भाई आदि पुरुष विल बी अ फ्लॉप, मैं नहीं कह रहा। और ये भाई ये गोजवाड़े मत करना, बेकार है ये कमेंट सेक्शन में। आदि पुरुष का हेटर है ये, इसका हेटर है, साउथ का हेटर है। भाई जो करना है करो ना यार। देखो मैं सिर्फ वही बातें करता हूँ जो मेरे को दिखती है, ठीक है। अब अगर आप प्रभास के फैन हो या फिर नहीं हो या फिर आदि पुरुष का वेट करो, आपने बहुत जगह पर चीज़ देखी होगी कि आदि पुरुष प्रभास के फर्स्ट लुक आने के बाद ना मिक्स रिस्पॉन्स आया है। क्योंकि भाई बहुत से लोग हैं जिसको आदि पुरुष का प्रभास का लुक पसंद नहीं आया। बहुत से लोग आपको मिल जाएंगे, उसके आपको रिजल्ट्स भी मैं आपको बताऊंगा। एंड जो कंपैरिजन चल रहा है ना आदि पुरुष के साथ, उसके बारे में भी बात करेंगे। एंड जो मेरा जो ओपिनियन है ना, उसके बारे में भी बात करेंगे, ठीक है। सबसे पहले तो भाई मसला क्या है, प्रॉब्लम क्या है, ये सब क्या हो रहा है, इसके बारे में बात करते। देखो भाई आदि पुरुष का जब से लुक निकल के आया है ना, सबसे पहली चीज लोगों का ये कहना है कि भाई ओरिजिनल श्रीराम का पिक्चर निकाल के देखोगे, जो फोटो निकाल के देखोगे ना भाई, वो टोटली डिफरेंट होता है, टोटली डिफरेंट होता है। एंड प्रभास का जो लुक है ना, वो टोटली डिफरेंट है, वो थोड़ा सा बॉलीवुड टाइप लग रहा है, राइट, ऐसा बोल सकते हो आप। तो ये प्रॉब्लम हो गया कि भाई जो ओरिजिनल जो श्रीराम का जो लुक होता है ना, वो हमको देखने को नहीं मिला। पहला सवाल ये है पब्लिक का कि भाई ये क्या चीज है, ठीक है। दूसरी चीज पे बात करते, दूसरी चीज ये है कि भाई आप पब्लिक बोल रहे हैं कि भाई प्रभास की जगह अगर कोई और एक्टर होता ना तो और ज्यादा मजा आता। एंड वो कौन होता उसके बारे में भी बात करेंगे। सबसे पहले तो यार मैं आपको एक बात बोलूं, भाई पब्लिक बोल रही है कि भाई प्रभास का और एक्टिंग दिखता है लाइक साहो एंड राधे श्याम, तो क्या मजा आएगा? देखो यार बंदे ने बाहुबली किया था ना, वो जाके देख लो भाई। बंदे को अच्छा डायरेक्टर चाहिए, बंदे को अच्छी स्क्रिप्ट चाहिए, फिर ये एक्टिंग जो करेगा ना भाई बाप लेवल का करेगा। बंदे में जबरदस्त टैलेंट है, बस भाई सही डायरेक्शन चाहिए। अगर सही डायरेक्शन मिलेगा ना तो बंदा फाड़ के रख देगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। एंड मुझे लगता है आदि पुरुष के अंदर डेफिनेटली भाई प्रभास एकदम रॉक करेगा, एकदम मजेदार काम करेगा एंड ब्लॉकबस्टर देगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब भाई और क्या प्रॉब्लम है, कंपैरिजन किसके साथ हो रहा है एंड क्यों हो रहा है, इसके बारे में बात करते हैं। भाई थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा, 6-7-8 महीने पीछे जाओ। एंड एक मूवी आता जिसका नाम था ट्रिपल आर, वहां पर रामचरण का जो किरदार था, ठीक है, रामचरण का लास्ट जब क्लाइमेक्स आता है ना, वहां पर रामचरण भाई श्रीराम का गेटअप, वो जो उनका जो कपड़ा पहनता है उनका भाई, जिस तरीके से वो हेयर स्टाइल हर एक चीज है ना, भगवा कलर का वस्त्र वो पहन के वहां पर फाइट करता है भाई, वो जो कैरेक्टर है ना, वो जो सीन थे वो सारे के सारे वो लोगों के दिल में बस चुके। बस उसको देखने के बाद लोग प्रभास के इस लुक का कंपेरिजन रामचरण के साथ कर रहे हैं। एंड लोग बोल रहे कि भाई प्रभास की जगह अगर रामचरण होता ना तो भाई ये मूवी पे और चार चांद लग जाते थे, मजा आता था। एंड भाई वो रामचरण के ऊपर जिस तरीके से बिग हेयर, जिस तरीके से वो कपड़े, जिस तरीके से राम का गेटअप, भाई पूरे के पूरा जो लुक सूट हो रहा था ना भाई, कसम से मजेदार यार, क्या काम किया है भाई रामचरण ने उस मूवी के अंदर। तो भाई ये सारी की सारी चीज थी, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं कि भाई रामचरण से इसका कंपैरिजन करना सही है क्या। देखो सबसे पहली चीज मेरे को एक बात बताओ, आदि पुरुष जब बनना स्टार्ट हुई थी या फिर आदि पुरुष जब प्रभास के पास लेके गए थे कि भाई आपको हमारी मूवी में काम करना है, भाई उस टाइम पर रामचरण का क्रेज इन नॉर्थ इंडिया था, पैन इंडिया लेवल पे था? नहीं था यार भाई, ट्रिपल आर अभी आया। एंड ट्रिपल आर जब आया तब तो आदि पुरुष ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया था, तो भाई कोई लॉजिक ही नहीं बनता है कि आप रामचरण का कंपैरिजन प्रभास के साथ करो। एंड मूवी का बजट 600-700-800 करोड़ है यार, तो भाई पैन इंडिया लेवल पे रामचरण अभी रेडी नहीं है कि उसके ऊपर 800,000 करोड़ रुपया लगाया जाए। क्यों? उसका रीजन बताता हूँ। ट्रिपल आर चली थी भाई 3-4 रीजन की वजह से, ओनली फॉर रामचरण की वजह से नहीं। सबसे पहला चीज था भाई एसएस राजामौली सर का डायरेक्शन एंड एसएस राजामौली सर का नाम, उसके बाद जूनियर एनटीआर एंड रामचरण, एंड भाई ये सब चीज की वजह से भाई मूवी चली थी। सिंगल हैंडेडली रामचरण ने उस मूवी को ब्लॉकबस्टर नहीं बनाया है भाई। देखो रामचरण को अपने आप को अभी प्रूफ करना पड़ेगा, उनका जो सोलो मूवी रिलीज होगा अभी RC-15 आ रहा है, वो पैन इंडिया लेवल पे किस तरीके से चलता है, उसको पब्लिक किस तरीके से सपोर्ट करती है, भाई अपने दम पे जब सोलो रिलीज करके आएगा ना वो कितना कलेक्शन लेके जाती है, भाई ये डिसाइड करेगा रामचरण का पैन इंडिया लेवल पे कितना भाई क्रेज है, आने वाले टाइम में पैन इंडिया लेवल पे रामचरण का फ्यूचर क्या होने वाला है भाई। वो तो भाई उसके अंदर तो बहुत सारे फैक्टर्स ने काम किया तो ट्रिपल आर ब्लॉकबस्टर हुई, बट जब रामचरण सिंगल सोलो रिलीज आएगा ना तब देखना पड़ेगा कि भाई प्रभास के टक्कर में बंदा है या नहीं है। एंड अभी रामचरण प्रभास के टक्कर में कहीं पे भी नहीं है, क्योंकि अभी तक तो रामचरण का सोलो मूवी रिलीज ही नहीं हुआ है। तो भाई आप रामचरण का कंपैरिजन प्रभास से कर ही नहीं सकते, सबसे बड़ा बोलते ना यार बकवास बात है। एंड भाई देखो मैं एक ही बात बोलता हूं, अब देखो जो कैरेक्टर अब जिस मूवी में है ना उसको सपोर्ट करो। अब आदि पुरुष के अंदर प्रभास है तो प्रभास को सपोर्ट करो, भाई दिल से इच्छा रखो कि भाई मजा आएगा, काम अच्छा करेगा एंड मजा आएगा। एंड बात रही गेटअप वेटअप की, तो भाई जब वो टीजर आएगा, जब ट्रेलर आएगा, जब मूवी आएगा तब देखी जाएगी। अगर ये लोग कुछ इधर उधर करेंगे तो भाई पब्लिक को भी दिख रहा है। बट देखो मूवी रिलीज होने से पहले एक पोस्टर को लेके किसी मूवी के खिलाफ हेट फैलाना सही नहीं होता है, तो प्लीज यार सपोर्ट करो। एंड भाई देखो जहां तक ये लुक की बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, तो भाई थोड़ा सा भाई एक बात बोलूं यार, भले ये रामायण के ऊपर से मूवी बन रहा है, भले ये आदि पुरुष मूवी है, बट थोड़ा सा एंटरटेनमेंट भी चाहिए पब्लिक को। एकदम अपन वो भगवत गीता एकदम भजन देखने के लिए नहीं
जा रहे अपन थिएटर के अंदर, थोड़ा सा मजा भी आना चाहिए हम लोगों को, ऑडियंस को चाहिए एंटरटेनमेंट। भाई एंटरटेनमेंट मिलेगा तभी पब्लिक को मजा आएगा। वो तो भाई अगर हमको रामायण ही देखनी है तो भाई की बुक पड़ी हुई है ऑलरेडी रामायण के ऊपर से, भाई कितने सारे सीरियल्स बने हुए हैं, सीरीज बनी हुई है रामायण के ऊपर से, कहानियां बनी हुई है, भाई वही देख लेते। हमको मूवी देखेंगे तो भाई थोड़ा सा मजा भी आना चाहिए, थोड़ा सा टेस्ट भी आना चाहिए, थोड़ा सा एंटरटेनमेंट भी मिलना चाहिए। तो प्लीज यार कंपैरिजन करना गलत है। रामचरण की जगह पे प्रभास है जो कि एक बेस्ट चॉइस है, क्योंकि भाई 600 करोड़ 800 करोड़ दांव पे लगे हुए, तो भाई प्रभास ही उसको कवर कर सकता है। अभी रामचरण के अंदर इतना पोटेंशियल नहीं है, ठीक है, पहली बात। एंड मुझे लगता है जो है ना उसको सपोर्ट करना चाहिए, तो भाई मैं तो बोल रहा हूं कि भाई प्रभास है ना, प्रभास को ही सपोर्ट करो। एंड दिल से चाहता हूं कि भाई बाहुबली में जैसा काम किया था ना वैसा इस मूवी के अंदर काम करेगा। एंड भाई देखो जिसका जो डायरेक्टर है ना, मेरे को लगता है भाई फाड़ेगा। एंड भाई डायरेक्टर जबरदस्त है भाई, तानाजी निकाल के देखो, इतना कोई टेंशन लेने वाला बात नहीं है। एनीवेज वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग बताओ यार रामचरण वर्सेस प्रभास आदि पुरुष के इस रोल में आप किसको देखना चाहते थे एंड किसको देखना चाहते हो, आपका क्या कहना है, प्रभास वर्सेस रामचरण कौन सा बेस्ट रहता, ये प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टाटा एंड लव यू।